कैंडिडेट, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के तहत सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस का ऑनलाइन क्लासेस डे 42 है। इससे पहले 41 क्लास हो चुकी है, 41 क्लासेस हो चुकी है, जो आपको प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अभी नए हैं वो अनलॉक कर सकते हैं और पैड बैच में का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ जो है अनलॉक जैसे ही कीजिएगा, पूरा वीडियो जितना भी है आपका है 41 वीडियो आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो टोटल 41 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पैड बैच के जो कैंडिडेट हैं वो YouTube से अगर पे करेंगे तभी आपको वीडियो मिलेगा। अगर वो स्कैन करके कर रहे हैं, अगर वो स्कैन एंड पे कर रहे हैं तो उनको केवल PDF मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कैंडिडेट। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के तहत सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस ऑनलाइन क्लासेस डे 42 है, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ बहुत से यूट्यूब चैनल जो है कॉपी हूबहू कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, सारे कैंडिडेट को पढ़ाएं, अच्छा लग रहा है। सभी कैंडिडेट, सभी यूट्यूब चैनल जो है अब एसटीएस का भी क्लास शुरू कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरा डे 42 है कैंडिडेट, मतलब हम 1.5 महीने से आपको पढ़ा रहे हैं और अभी लगातार देखेंगे कि 2 दिन, 3 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से बहुत से YouTube चैनल हैं लगातार आपको पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, मेरा शुभकामनाएं हैं कि आपको बस अच्छा कंटेंट मिले, कहीं से भी मिले, ये नहीं कि मेरे से ही, आपको जहां से अच्छा कंटेंट मिले बस आपका सिलेक्शन हो जाए, यही शुभकामना है सभी कैंडिडेट को। आप खूब YouTube पर सर्च कीजिए और जहां जहां से आपको अच्छा अच्छा मटेरियल मिले आप लेकर उसको पढ़िए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कैंडिडेट, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है चैनल का, कि आप सिलेक्ट हो जाएं, बस हम लोग जो है हम लोग का मेहनत सारा सार्थक हो गया, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली बात करेंगे जो पोर्शन है, कैंडिडेट के द्वारा बार बार इंक्वायरी आ रही थी कि जो पोर्शन आपका है उसको मैं दिखाना चाहूँगा कि सेक्शन 2 में, ठीक है, सेक्शन 2 में UPNHM STS का ये सेक्शन 2 जो है 20 मार्क्स का, उसका प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन सेशन है कैंडिडेट। तो आप देखेंगे कि इस पे पहला पार्ट जो दिया हुआ है वो जनरल एप्टीट्यूड का है, फिर रीजनिंग है, फिर जनरल अवेयरनेस है, और इसके बाद जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ये सारी चीज़ इसमें दी हुई है। तो इसके बारे में कैंडिडेट को मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से कैंडिडेट का बार बार इंक्वायरी आ रहा था और क्वेश्चन क्वेरीज रह रही थी कि भाई 20 मार्क्स का जो सेक्शन 2 होगा वो कैसा होगा, कैसे आएगा। तो देखिए, आपको जो है इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये सेक्शन सभी कैंडिडेट जो अगर SSC का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, तो उनके लिए अछूता नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसको मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है कि परसेंटेज से सवाल आपका रहता है, प्रॉब्लम ऑन एज ये से संबंधित क्वेश्चन रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन रहता है, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी से रहता है, LCM और SCF से रहता है, ग्राफ से रहता है, और स्टेटिक्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये सब आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका निश्चित रूप से सेक्शन 2 बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी ज़्यादा दम नहीं रहता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हर सेशन सेक्शन से जो है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 5 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, और 5 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा। तो हम लोग रीजनिंग का थोड़ा सा देख ले क्या क्या चीज़ें हम लोग को देख लेनी चाहिए, हालांकि इसमें भी कुछ टफ नहीं है, ठीक है कैंडिडेट, इसमें भी टफ नहीं है, आप अच्छे से खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो रीजनिंग में जो है अल्फाबेट टेस्ट जो है ब्लड रिलेशन से आता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, फिगर सीरीज, ये सबसे क्वेश्चन आपका पूछता है, जो कि आप जनरली SSC का तैयारी करते हैं या रेलवे का तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें, हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें, जिसे शॉर्ट में GA बोलते हैं कैंडिडेट, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए देखिए। तो जनरल अवेयरनेस GA की बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन जो है, बायोलॉजी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक का, ठीक है, हल्का बेसिक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है, तो ज़्यादा उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर पूछ सकता है, स्पोर्ट्स बुक सकता है, State UP का एनिमल्स एंड सिंबल के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, अवार्ड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ सकता है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर इम्पॉर्टेंट डिस्कवर, ठीक है, इससे आपका सवाल पूछ सकता है। तो ये भी कोई बड़ा टफ नहीं है, ठीक है। अगर UP के कैंडिडेट हैं तो निश्चित रूप से UP से संबंधित जो भी आपका जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स एंड सिम्बल्स जो है उसके बारे में थोड़ा देख लें, ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण जगह है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लें, ठीक है। तो इसमें आप कोई विशेष इसमें तैयारी नहीं करनी है।
बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछेगा, बहुत कॉमन, ठीक है। रैम, रोम, सीपीयू, एचटीएमएल, प्रिंट, डाटा एंट्री, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कॉपी, ठीक है, ये सब जो है क्वेश्चन इससे रहेगा। तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं, मुझे दिख रहा है कि कंप्यूटर का भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर का भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये कंप्यूटर पर रखने का कारण ये है कि आपको जो है कैंडिडेट एक लैपटॉप मिलेगा, ठीक है, सॉरी लैपटॉप कर रहे हैं, आपको एक डेस्कटॉप, ये क्या कहते, सॉरी ये क्या मैं बोलूँ, देखिए मुझे भी मिस्टेक हो रही है, आपको एक टैब मिलेगा कैंडिडेट्स, ठीक है, आपको एक टैब मिलेगा और टैब में जो है आपका रिचार्ज का खर्च जो है सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। तो टैब में जैसे जैसे डाटा एंट्री करना है या फिर आपको मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम मिल गया, डेस्कटॉप मिल गया, अगर करने को काम हाथ में, तो आपको प्रभार में जो आपको आप जैसे ज्वाइन करेंगे एसटीएस, तो आपको तो टैब मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। मान लीजिए कभी लैपटॉप पे काम करना हो या फिर कभी कंप्यूटर सिस्टम पे काम करना हो बैठकर सिस्टम पर, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, कैसे डाटा एंट्री करना है, कैसे प्रिंट आउट करना है, कैसे डाटा को पुटअप करना है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि निश्चय एक वेबसाइट है जिस पे जो है आप अगर एसटीएस बन जाएंगे कैंडिडेट तो यहाँ से आपको सारा काम होगा, ठीक है। ये जो है निश्चय एप्लीकेशन है और निश्चय पे ही सारा जो है आपका डाटा एंट्री होता है, ठीक है। तो ये सारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फाइनली 100 मार्क्स जो है मैं अपने तरफ से गाइड कर दिया आज के सेशन के साथ ही, कि 100 नंबर का एग्ज़ाम का क्रैक कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कैंडिडेट कि टीचर जो होते हैं, गाइडर जो होते हैं, आपको बस गाइड करते हैं, ठीक है, मेहनत आपको खुद से करना होता है, आपको एक रास्ता दिखाते हैं, आप भटकते हैं, ठीक है। मैंने रास्ता दिखा दिया है कि 100 नंबर कैसे क्रैक कर सकते हैं और अपने मेहनत के बल पर जो है आप नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के तहत जो NTPSTS है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत, उसके तहत आप कैसे जो है क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को, पूरा स्ट्रेटजी मैंने बताया हुआ है वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखें और लगातार जो है मेहनत करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करें। अभी मान लीजिए कोई कैंडिडेट नया जुड़ रहे हैं और कुछ तैयारी नहीं किए हैं, जीरो उनका तैयारी है, तो अभी भी वो चाहेंगे तो उनका प्रिपरेशन अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि अगर वो सेंट्री इंस्पेक्टर कैंडिडेट हैं पहले से या फिर कोई भी कैंडिडेट हैं लेकिन उनका प्रीवियस नॉलेज अच्छा है, ठीक है, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज है, उनको बेसिक रीजनिंग के बारे में नॉलेज है, उनको बेसिक कंप्यूटर, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस से संबंधित जितने भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसके संबंधित उनको अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से उनका सफलता अभी भी 100% वो सफल हो सकते हैं, उनको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो जो अभी भी कैंडिडेट जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भी निराश ना हो, आपके लिए भी आप 100% सफल होंगे, आप 100% सफल होंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, बशर्ते कि आपको जो है जो लाइन लेंथ दिया गया है, जो पढ़ने के लिए बताया गया है, उस लेंथ पे आपको चलना होगा और लगातार आपको मेहनत करना होगा। इसी के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूँ कैंडिडेट। तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स जो पूरा कैसे आपका आएगा उसका पूरा स्ट्रेटजी मैंने बता दिया, आप बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को क्रैक करें और नेक्स्ट अब जो भी सेशन चलेगा उसमें बस ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, बस उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव रिपीट होता है कैंडिडेट, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में जो क्वेश्चन जो क्रिएट होता है कुछ क्वेश्चन को रिपीटेशन होता है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है, नया क्वेश्चन भी आपको मिलेगा साथ साथ, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होगा लेकिन नया नया क्वेश्चन मिलेगा। तो लगातार आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, थैंक यू वेरी मच।